ini एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। वह राक्षस देखने में तो असुर था लेकिन उसमें एक दिव्य शक्ति थी कि वह बहुत शक्तिशाली था और पाताल स्वर्ग और पृथ्वी तीनों लोकों को जीतना चाहता था। इस सब को पाने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की। यह सब देखकर भगवान खुश हुए और आखिरकार उस राक्षस के सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा बोले, आंखें खोलो महिषासुर, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? महिषासुर, एक तुम्हारे ना कोई दानव और ना ही कोई मानव मार सके। अगर कोई मुझे मार पाए तो वह सिर्फ एक स्त्री हो। तथास्तु। वर प्राप्ति के बाद महिषासुर ने पाताल और मृत्यु लोक पर धावा बोल दिया। सभी प्राणी उसके अधीन हो गए। कुछ समय बाद उसने इंद्र लोक पर हमला बोल दिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। परेशान देवताओं ने जाकर अपना दुख ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया। यह सब सुनने के बाद त्रिमूर्ति ने दुर्गा देवी की रचना की। शिव विष्णु ब्रह्मा और इंद्र ने अपने त्रिशूल सुदर्शन चक्र कमंडल और वज्र उनको दिया। माँ दुर्गा ने कहा, मैं उस राक्षस का वध करके ही लौटूंगी। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने हिमालय के शिखर से महिषासुर को जैसे ही जोर से पुकारा, दूसरे राक्षसों ने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। ये सब देखकर महिषासुर को और गुस्सा आ गया। उसने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। इसी मौके का इंतजार कर रही माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। ये युद्ध 9 दिन तक चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। ये देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की। इसी प्रकार उसे उनका नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हर साल हम इस जीत को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते आ रहे हैं।